और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। बहुत गंभीर है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर देश भर में सियासत छिड़ गई है। राहुल ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान हिंदुओं का जिक्र किया था, जिस पर घमासान मच गया है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष उनको घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी अब उनके समर्थन में उतर गया है। राजद के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बीजेपी को सही आईना दिखाया है। सुनिए आरजेडी के नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान के बारे में क्या कुछ कहा। नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन मैम, उन्होंने ये तो कहा कि नफरत फैलाते हैं हिंदू और ये नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं, और बीजेपी में तो हर एक धर्म के लोग हैं, सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है। तो एक बात और, तो उन्होंने बीजेपी के लोगों के लिए कहा, ऐसा नहीं कहा कि हिंदू फैलाते हैं। वो कह रहे कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी को डराएं या नफरत फैलाएं। ओवरऑल जो उन्होंने स्पीच दी, जैसे अग्निवीर की बात कही और फिर मणिपुर वाला मामला उठाया, कई सारे मुद्दे पर उन्होंने अपनी बात। देखिए, राहुल गांधी ने निट पे भी कहा, अग्निवीर पे भी कहा, मणिपुर का भी मुद्दा उठाया, हाउस के अंदर जो होता है उस पे भी राहुल गांधी जी ने कहा, बीजेपी के ऊपर भी कहा। तो आप वहीं पे आप देखिए कि अनुराग ठाकुर ने बहुत सारी चीजों की चर्चा की। अनुराग ठाकुर ने बार बार इमरजेंसी के लिए राहुल गांधी जी को कहा जा रहा है कि माफी मांगिए। इसको हमला ना कहा जाए, संसद में विमर्श हो रहा है, विमर्श कभी तीखा होगा, वैचारिक विमर्श है ये। और उन्होंने एक बात जो कही वो सबको समझने की जरूरत है, हिंदू धर्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, इस्लाम की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है, सिखिज्म की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। तो ये जो धर्म की ठेकेदारी सियासत में चलती है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ, पहलकदमी उन्होंने ली, इसका स्वागत होना चाहिए। दरअसल राजद नेताओं ने आगे कहा कि सनातन का काम किसी को डराना और धमकाना नहीं, बल्कि सौहार्द का वातावरण बनाना होता है, लेकिन बीजेपी का काम समाज में डर और भय का माहौल बनाना मात्र है। संसद में राहुल गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए राजद के नेताओं ने कहा कि बीजेपी के लोग भय का माहौल बनाते हैं, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं, ये कभी भी हिंदू संस्कृति नहीं हो सकती। बता दें, सोमवार को सदन में जमकर हंगामा हुआ था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू, मणिपुर, नीट, किसान, अग्निवीर के साथ साथ कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। राहुल के 90 मिनट के इस भाषण के दौरान हिंदू के मुद्दे पर सियासी रण छिड़ा हुआ दिखता नजर आया। ऐसे में अब लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर आगे भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत, डिजिटल की रिपोर्ट।